कम्बैट प्लान के बारे में कोई पायलट है वो डिस्कस कर रहा है, ये डिस्कस हो रहा है इनका कैसे करना है। वार स्ट्रेटजी, वार प्लान, रास नहीं आपके देखने के लिए। अंडरग्राउंड शेल्टर, ये अंडरग्राउंड शेल्टर जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर ये बनाने की कोशिश, तो ये दूसरा भी ये अंडरग्राउंड शेल्टर है। ये अंडरग्राउंड शेल्टर भी हैं और स्कूल है, तो ये स्कूल इन खन्ना डिस्ट्रिक्ट विन हेड नेटवर्क स्टूडेंट एंड टीचर टाइमली रिटैक। अच्छा, ये जो इसलिए ये बनाया गया क्योंकि पहले स्टूडेंट और बच्चे हैं, जैसे ही एयर अटैक आए यूएसए का तो ये स्कूलों के बाहर बनाया गया था यूएसए के अटैक से बचने के लिए। ये स्कूल है उस टाइम का, और इन्होंने सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कहने की, हिम्मत इनकी ये थी कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये जितने भी बच्चे हैं इनको गन्स, इनको स्कूल में पढ़ाया जाता था, इनको इंग्लिश सिखाई जाती थी। इंग्लिश इसलिए ताकि उन लोगों को जो अमेरिकन का कुछ मैसेज जो बात या ऐसा कुछ हो, तो फिर जो उनके हथियार पकड़े जाते थे उन हथियारों को, वो हथियार इन बच्चों को सिखाए जाते थे। उस वजह से ये औरतें इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये यहाँ पे जहाँ मेरी फिंगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये पेड़ के ऊपर एक जगह बनाई हुई है और वहाँ पे वो कुछ स्पीकर जैसा लेके बैठ रहा है। वो जब भी कहीं दूर से उसको जहाज़ आते हुए दिखेंगे, मतलब बमबारी वाले यूएसए के जहाज़ जब आते हुए दिखेंगे, तो वो वहाँ से बेल बजाएगा। सिटी जैसा कुछ है उसके पास, तो वो सिटी बजाएगा जिससे जितने भी लोग हैं वो अपने शेल्टर्स में घुस जाएंगे। भाग के ये नीचे भाग रहे हैं ऐसा कुछ दिखाया वो वहाँ से ऊपर से। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है होनाई के अंदर, ये था, ये ऊपर बॉक्स एक बनाया हुआ था जो लोगों को मोहल्ले में मतलब एक तरह का आवाज़ दे के चेतावनी दे सके कि भाई एयर स्ट्राइक होने वाली है या वो आ रहे हैं जहाज़ वगैरह, तो आप भाग जाओ अंदर। इन्होंने बच्चों को भी, और ये शेल्टर थे जो ज़मीन के अंदर से बाहर आने का दरवाज़ा है, जो जहाँ पे ये अंदर रहते थे ये लोग, वहाँ से बाहर आने का दरवाज़ा है, उसकी फ़ोटो उस टाइम की। अमेरिका ने तो तबाही करी थी, तो ये मेन ये शेल्टर का वो दरवाज़ा भी और ये चीज़ें भी, जैसे कीचड़ और उसके बीच में भूसा, वो वाला शेल्टर जो वहाँ फ़ोटो है और यहाँ असली में बना के इन्होंने इसको रखा हुआ है। ये इस पर कीचड़ वगैरह डाल के अंदर लकड़ियाँ लगा के, ये एक आप कह सकते हैं जो ज़मीन के अंदर उनका घर था उसके अंदर आने जाने का ये दरवाज़ा वो उन्होंने दिखाया हुआ है इसमें फ़ोटो में, और बाहर में ये बनाया हुआ भी है मतलब। तो इसके ऊपर अगर घास फूस रहेगा तो फिर काफ़ी, और ये बिल्डिंग्स का कुछ सामान यहाँ पे उनका, जो ये बिल्डिंग जो सामने फ़ोटो में थी वो उड़ाई गई अमेरिका के द्वारा, और उसका जो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने यादगार के तौर पे, मलबा के तौर पे आप कह सकते हैं, जिसमें कुछ लोहे की चीज़ें टूटी हुई हैं, कुछ ईंटें वगैरह हैं, ये ईंटें हैं, दीवार का कुछ छोटा पीस रख दिया लाके, और भी छोटे टूटे हुए सामान। ये तबाही, ये देखो तबाही, असली तबाही क्या है, फ़ोटोज़ में आपको दिख रही होगी क्या किया था, क्या करा 5-6 साल अमेरिका ने वियतनाम पे। ये बिल्डिंग्स थी, ये बिल्डिंग जो थी उसका अभी कोई ख़ास बिल्डिंग होगी शायद, या फिर ऐसे उन्होंने किसी भी एक बिल्डिंग का उठा के रख दिया, लेकिन इस बिल्डिंग का फ़ोटो जिसका है इसका मलबा है यहाँ पे। ये यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें, और ये वो घर था, ये दरवाज़ा था, वो फ़ोटो वाला मैंने आपको दिखाया कैसे क्या, और वहाँ पे जो दो टेबल रखे, टेबल के ऊपर कुछ, ये प्रेसिडेंट मिल रहा है फौज से, जो प्रेसिडेंट था इनका
वियतनामियों का उस टाइम। और ये कुछ बुक्स हैं, मैं इनके ये फ़ोटो इस पे डाल रहा हूँ, अगर आप को लगे कि आपको पढ़ने से ये द स्टार करके न्यूज़ है यूएसए का उस टाइम का था, उसमें भी आर्टिकल और बहुत सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो आपको उस टाइम का अगर आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से ये चीज़ें जो हैं पढ़ सकते हैं इसके बारे में, वियतनाम और यूएसए की जंग के बारे में। और ये कुछ बुक्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके काम की हैं तो आप इनको इंटरनेट पर सर्च करके मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी, यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो वेबसाइट्स का नाम लेने मुझे सही नहीं लगेगा, तो आप इंटरनेट पे सर्च करके ये बुक्स के नाम देख लो आप। लेकिन क्या यार, मतलब रोना आ गया, सच में रोना आ गया, इस लेवल की तबाही। और पता है तबाही किस लिए करी अमरीका ने? अपने केमिकल हथियार यूज़ करने के लिए, चेक करने के लिए। अच्छा, जो कीचड़ वगैरह यहाँ का ना, कुछ ज़मीन अलग टाइप का है इस एरिया का, जितने भी ये कंट्री हैं इनका ज़मीन जो है वो अलग टाइप का है। तो ये कुछ इन्होंने वियतनामी एयर डिफेंस ऑफिसर सोवियत यूनियन स्पेशल, पता नहीं कुछ एयर डिफेंस के कुछ ऑफिसर हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और ये इनके बंकर्स बने हुए हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि हुआ ऐसा क्यों, इन्होंने बहाना लगा के कि हमारी एक शिप पे वियतनामियों ने हमला किया है, तो बहाना लगा के। तो एक्चुअली ये इस एरिया में अपना वो चाहते थे, राज चाहते थे, सिंपल सी बात है। तो बहाना लगा के, और मेन मकसद इनका जितने भी वेपन्स थे ना, इनके नए नए किस्म के हथियार जो थे उनको चेक करना था, जिसमें मेन केमिकल का सबसे ज़्यादा, जिसका असर आगे में वीडियो में, अगली वीडियो में आने वाला है, देखना आप कितना बुरा हाल है लोगों का, क्या क्या बीमारियां लगी हैं लोगों को। तो उस केमिकल की वजह से, वो केमिकल जो इन्होंने बम्स के ज़रिए, मैं बम भी दिखाऊंगा अगली वीडियो में, रहेंगे बम्स भी, तो बम्स भी दिखाऊंगा, केमिकल बम्स जो इन्होंने इस्तेमाल किए, उसके बाद जो मारना और जो सब वो किया वो, तो मतलब, तो जुड़े रहें, देखते रहें, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।